श्री केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बारिश के चलते कड़ाके की ठंड बढ़ने लगी है, तो वहीं श्रद्धालुओं की आस्था के सामने ठंड भी फीकी पड़ती नजर आ रही है। बता दें कि बीते दो दिनों से हुई बारिश के कारण यात्रा में आने वाले भक्तों को परेशानियां भी झेलनी पड़ी। तस्वीरों में सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में मंदिर के प्रांगण में भक्तों की भीड़ दिखी। वहीं आज बारिश थम गई है और हल्की धूप खिलने लगी है। इधर निचले इलाकों में ग्रामीण कृषकों की धान आदि फसलें भी तैयार हो रही हैं। मौसम खराब होने से कृषकों की चिंता भी बढ़ने लगी है। बारिश थमते ही कृषक कटाई मटाई में जुट गए हैं। लोगों का कहना है कि जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक और नुकसान के कारण हमें फसलों को जल्दी काटना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। ये हमारे यहाँ की धान की लवाई मंडाई शुरू हो गई है, क्योंकि देखो कि कुछ तो आतंक बंदरों ने कर रात को सोरण आतंक मचा रखा है। अब गांव वाले मजबूरन से ये कच्ची फसल को काट रहे हैं, जिसमें कि शासन प्रशासन भी इसमें कोई अनदेखी कर रहा है। ग्रामीणों का भी कुछ दोष है कि कुछ हम एकजुट होकर के न तो बंदरों को भगा पा रहे हैं, न ही सुंगरों की देख देख कर पा रहे हैं, जिससे कि हम मजबूरन से इस फसल को कच्ची फसल काट रहे हैं। कुछ मौसम विभाग ये वर्षा के कारण से भी लवाई मनाई लेट चल रही है, कुछ रुपाई में भी लेट हुई है।